हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइस, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। तो जैसा कि आपने कैप्शन देखा, आज भी एक बहुत जबरदस्त, बिल्कुल कम किलोमीटर चली हुई मैं आपके लिए लेके आया हूँ लैंड रोवर डिस्कवरी डीजल, और वो भी 7 सीटर और काफी अच्छे प्राइस में। तो इसी तरीके की अगर आपको यूज्ड कार देखना है तो मेरा जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में यूज्ड कार के सेक्शन में आप जाके इसी तरीके की काफी अच्छी प्री ओन्ड व्हीकल्स देख सकते हैं। तो चलिए ये गाड़ी का मैं डिटेल्स आपको दे देता हूँ, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लैंड रोवर की रेड कलर की डिस्कवरी व्हीकल है जो 7 सीटर में है, डीजल वेरियंट में। अब लग्जरी ब्रांड्स की अगर आप गाड़ी खरीदोगे तो सबसे बेस्ट पार्ट आपको जो उसमें मिलता है देखने के लिए, उसका अटेंशन टू डिटेल। तो जैसा कि आप देख सकते हो, काफी अच्छे प्रोजेक्टर हेडलाइट्स यहाँ पे आपको देखने मिल रहे हैं। उसमें अगर आप नोटिस करोगे, ब्लैक का, क्रिस्टल शाइन का, एलईडीज का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। ग्रिल की भी अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छी पियानो ब्लैक की रेंज रोवर की सिग्नेचर ग्रिल यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है, और काफी अच्छा यहाँ पे डिस्कवरी आपको बैज देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज इसके फ्रंट को बहुत प्रोमिनेंटली एक अच्छा रोड प्रेजेंस देता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बंपर्स पे भी आपको जो फॉग लैंप्स वगैरह देखने मिल रहे, फ्रंट सेंसर्स देखने मिल रहे, ये सारी चीज फ्रंट को बहुत एग्रेसिव और स्पोर्टी बना देता है, जिसके लिए रेंज रोवर लैंड रोवर जाना जाता है। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो काफी अच्छे 18 इंच के यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स देखने मिल जाते हैं। इसमें अगर कैलिपर्स भी आप नोटिस करेंगे तो ये रेड कलर में पेंटेड है। पिरेली का यहाँ पे आपको टायर मिल जाएगा, टायर की कंडीशंस वगैरह भी अच्छी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसका साइड प्रोफाइल भी बहुत तगड़ा है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फेंडर में भी बहुत अच्छा ब्लैक कलर का, पियानो ब्लैक कलर में एलिमेंट देखने मिल जाता है, जैसा आता है लैंड रोवर्स जिसके लिए जाना जाता है। तो अगेन साइड से भी ये बहुत अच्छा दिख रहा है, और काफी जबरदस्त ड्यूअल टोन रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। गाड़ी का प्रेजेंस बहुत अच्छा है, काफी अच्छी लेंथ है जो यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे तो मिरर वगैरह सब ब्लैक कलर में पेंटेड है, ABC पिलर विद रूफ ब्लैक कलर में पेंटेड है, और यहाँ पे सी पिलर पे आपको लैंड रोवर का बैज देखने मिल जाता है, जो अगेन इसको काफी ज्यादा प्रीमियम लुक दे देता है। रियर की भी अगर बात करूं तो काफी अच्छा स्पॉइलर यहाँ पे बड़े साइज का विद शार्क फिन एंटीना आपको देखने मिल जाता है। रियर विंडशील्ड में भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको डिफॉगर देखने मिल जाता है। स्पोर्ट्स एसी वेरिएंट है ये HSE, जिसका बैज यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। नंबर भी अगर आप देखेंगे 501 बहुत अच्छा नंबर है जो ये गाड़ी के साथ आपको देखने मिल रहा है। टेल लैंप्स की यहाँ पे स्पेशली मैं बात करूंगा, बहुत जबरदस्त LED टेल लैंप्स यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, जिसमें ब्लैकआउट काफी अच्छे से किया गया है, जो इसको काफी ज्यादा एलिगेंट और स्पोर्टी बना रहा है। चलिए अब गाड़ी को इंटीरियर से देख लेते हैं। बाहर से तो आपने देख लिया, पूरा स्पीक एंड स्पैन कंडीशन में गाड़ी है। अंदर जाके ये कहाँ आपको देखने मिलेगी, इसका प्राइस कितना है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। अब अंदर जाने के पहले एक चीज मेरा कवर करना रह गया, जो मैं सोचा दिखा दूं आपको। बहुत अच्छा यहाँ पे आपको बोनट स्कूप देखने के लिए मिल रहा है ब्लैक कलर में, जो इसके स्पोर्टीनेस को बहुत ज्यादा एग्रेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो आप देख सकते हैं बोनट पे ब्लैक कलर का आपको स्कूप देखने के लिए मिल रहा है। चलिए अब अंदर चलते। अब इंटीरियर्स में इसके किलोमीटर्स वगैरह बताने के पहले, इंटीरियर्स आपको दिखाने के पहले मैं बता दूं ये गाड़ी आपको देखने कहां मिलेगी। सो गाइस, ये गाड़ी आपको रिलायबल कार्स मुंबई में उनके गोरेगांव के लिंक रोड आउटलेट में देखने मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिए, आइए गाड़ी देखिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, डेफिनेटली आपको ये गाड़ी पसंद आएगी। अब जैसा कि हम लोग बात करते हैं, लैंड रोवर काफी स्पोर्टीनेस के लिए अपने जाना जाता है, उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा ब्लैक इंटीरियर यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, जो इसको हर एक मतलब जानी मानी, जैसे आपकी आती है G63 जी वैगन, उस तरीके का इंटीरियर फील यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जगह जगह पे आपको बहुत अच्छा सॉफ्ट टच ब्लैक लेदर देखने को मिल जाएगा। स्टेयरिंग इसकी काफी स्पोर्टी है जैसा कि आप देख सकते हो, साथ ही साथ पूरे कंट्रोल स्टेयरिंग पे मिल जाते हैं, पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाता है। अब अगर इसके मैं किलोमीटर्स की बात करूं तो गाड़ी सिर्फ 39,664 किलोमीटर्स चली हुई है, जो एक डीजल गाड़ी के हिसाब से काफी कम किलोमीटर्स माना जाता है। सारे कंट्रोल्स विंडोज के, ORVM के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसमें एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो मेरिडियन का काफी अच्छा हाई क्वालिटी का साउंड सिस्टम देखने को मिल जाता है। अब प्रीमियम व्हीकल है, एक एक एलिमेंट इसका देखोगे बहुत एलिगेंटली डिजाइन किया हुआ है, काफी अच्छे क्वालिटी में एल्यूमिनियम फिनिश भी आपको जगह जगह पे देखने मिल जाती है। जैसा आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल पैनल पे देखोगे तो ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश आपको देखने के लिए मिल रहा है। गियर नॉब का तो इसको क्या कहना, जैसे ही आप व्हीकल को ऑन करते हो ये ऑटोमेटिकली पॉपअप होता है। यहाँ पे आपको डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल, ये सारे ऑफ रोड के फीचर्स देखने
देखने को मिल जाते हैं, जो इसको काफी अच्छा कंपेनियन आपका बना देता है ऑफ रोडिंग पे। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। सीट्स भी अगर आप देखेंगे काफी अच्छी रग्बी टाइप है, जो आपको बहुत अच्छे से ऑनवलप करता है, स्पेशली जब आप ऑफ रोड एक्सपीडिशन में रहते हैं। सस्पेंशन के लिए ये जाने जाते हैं, काफी अच्छा इसमें सस्पेंशन आपको मिल जाएगा, जो बहुत अच्छा स्टेबिलिटी हाई स्पीड में आपको प्रोवाइड करेगा। इसके इंजन की अगर बात करूं तो 2 लीटर का डीजल इंजन इसमें आपको मिल जाता है, जो 245 BHP का पावर, 430 Nm का टॉर्क भी आपको प्रोवाइड कर देता है। अगेन ये गाड़ी को काफी अच्छा ड्राइविंग प्लेजर के लिए जो बना देता है। सनरूफ भी आप देखोगे तो बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ आपको फ्रंट से लेके रियर तक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करूं तो सेकंड रो भी आप देख सकते हो, काफी अच्छा आर्मरेस्ट वगैरह आपको देखने मिल रहा है। अब इसका थर्ड रो की अगर बात करूं तो ये 7 सीटर है, तो थर्ड रो में आपको सीट्स मिल जाएगा, जो अगर इसे आपको 5 सीटर के जैसा भी यूज करना है तो आप इसकी सीट्स 50-50 के रेशियो में, यानी कि एक टाइम पे एक सीट भी फोल्ड कर सकते हो और बहुत अच्छा बूट स्पेस भी इसमें आप बना सकते हो। सो होप ये गाड़ी और वीडियो दोनों आपको पसंद आई हो। अब इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, ये गाड़ी का आस्किंग प्राइस 39,50,000 रुपीज है। नंबर पर आप बात करिए, गाड़ी में आपको अगर अच्छा लग रहा है नेगोशिएट करिए, डेफिनेटली ये गाड़ी बहुत अच्छा प्राइस में आपको मिल रहा है। होप आपको वीडियो और गाड़ी दोनों पसंद आई हो। कुछ भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका भी मैं आंसर आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच।